विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है कि आपकी 20 मार्च से 31 मार्च तक की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं कोरोना वायरस की वजह से। हम ये चाहते हैं कि आप अपने इस समय का सदुपयोग करें और अपनी जानकारी और विषय से संबंधित गहन अध्ययन करें। आपको इन कार्य दिवसों में कोरोना से बचाव के साथ साथ अपने अध्ययन को भी सुचारू रूप से रखना है। किसी भी प्रकार से निराश नहीं हो, परीक्षाएं आपकी स्थगित हुई हैं, आपको ऐसा अवसर मिला है कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके। आपको मैं इस अवधि में क्या क्या करना है इसके संबंध में बताऊंगा कि आप इन सभी दिनों को अपने विषय अनुसार अध्ययन के लिए विभाजन करें। राजनीति विज्ञान बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पेपर अभी शेष रहा है, इसके लिए आप सभी सुचारू रूप से तैयारी करें और उसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको तीनों सेक्शन को सूक्ष्मता से अध्ययन करना है। पूर्व में आए हुए 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल कीजिए। वर्तमान में अन्य विश्वविद्यालयों के आयोजित हो चुके प्रश्न पत्रों को देखें, उसमें छोटे बड़े प्रश्नों को देखें। महाविद्यालय में जो प्री विश्वविद्यालय परीक्षा का आयोजन किया गया था उससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करवाए थे, उन प्रश्नों को भी विशेष रूप से देकर के जाएं। पिछले 5 वर्षों के बड़े प्रश्नों में से मुख्य रिवीजन आप करें और उनको 30 से 35 मिनट के बीच में लिख करके आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर आप क्रमानुसार दें और अन्य किसी भी प्रकार से परीक्षा का तनाव न लें, सहज भाव से आप तैयारी करें। आप राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले पेपर में विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें, ज्वलंत प्रश्नों पर भी विशेष रूप से ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले पेपर में आपको प्रथम सेक्शन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किए गए शांति और समझौते को देखना है। इसमें कौन कौन से शांति समझौते हुए, उन विषयों में कौन कौन से संधियां की गई उसको आप देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय जो नवीन प्रवृत्तियां उभर करके आई उनका आप सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके कौन कौन से कारण थे, शीत युद्ध का विकास कैसे हुआ, उसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं और उनमें विशेष जो बातें हैं उनको आप अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के दौरान ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत, मार्शल योजना आदि विषयों को देखें। कोरिया संकट क्या था, ऐसे विषयों पर सूक्ष्म टिप्पणियां आपसे पूछी जा सकती है। क्यूबा संकट क्या था, यू-2 विमान कांड क्या है आदि को आप सूक्ष्मता से बिंदुवार अध्ययन करके जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, उसके विभिन्न अंग, उनके अंगों के कार्य भूमिका को आप देखें। साथ ही वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत पुनर्गठन ढांचे की उसकी जो मांग की जा रही है उसको देखें। भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के बारे में आप पढ़ के जाएं, क्या भारत की दावेदारी के प्रमुख बिंदु कौन से हैं, उन बिंदुओं को आप देखें जो भारत की दावेदारी को मजबूत करते हैं। भारत और विश्व, भारत और पड़ोसी देश, भारत अमेरिका, भारत रूस, इन संबंधों को आप देखेंगे। साथ ही भारत की विदेश नीति के अलावा रूस चीन की विदेश नीति का भी आप अध्ययन करें। भारत की वर्तमान में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को भी आप देखेंगे, इसको भी आप विशेष रूप से देख करके जाएंगे। गुट निरपेक्षता कैसा है, वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इससे संबंधित भी शॉर्ट प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। साम्यवाद का बिखराव हुआ, यूरोप का पुनर्गठन हुआ है शीत युद्ध के अंत के बाद में, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का जो महत्वपूर्ण और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को आप देखें, विशेषकर चीन के साथ, रूस की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, समसामयिक नवीन प्रवृत्तियां और मुद्दे को देखें, फिलिस्तीन समस्या, अरब इजराइल संघर्ष, खाड़ी संकट आदि को देखें, तेल कूटनीति क्या है, अफगान संकट, निशस्त्रीकरण समस्याएं और चुनौतियां, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिसे न्यू के नाम से भी जाना जाता है, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण संवाद,
एशिया में क्षेत्रीय सहयोग संगठन आसियान व सार्क, इसके अलावा ब्रिक्स को भी आप देख करके जाएं। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न बताना चाहूंगा, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन या लोकतंत्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका आप आंसर कैसे देंगे। कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन या लोकतंत्रीकरण से अभिप्राय है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार करना और नवोदित विकासशील देशों के प्रतिनिधि के रूप में उभरती शक्तियों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाना, यही उसका क्या है, पुनर्गठन की मांग की जा रही है। और दूसरा, अगर हम आपको बताएं तो ओपेक क्या है, ओपेक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। एक तेल निर्यातक राष्ट्रों का संगठन है ओपेक, और इसका प्रमुख उद्देश्य है सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में एकता लाना तथा उनके हितों का संरक्षण करना है। खाड़ी सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का निर्माण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 24 जनवरी 1980 को कांग्रेस को भेजे गए अपने वार्षिक संदेश में किया था। उन्होंने कहा कि किसी बाह्य शक्ति द्वारा खाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण के प्रयास को अमेरिका के आवश्यक हितों पर आक्रमण समझा जाएगा और उसे सैनिक शक्ति सहित किन्हीं भी आवश्यक साधनों। आयटर की चेतावनी खाड़ी सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आप देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के कोई दो सिद्धांत बताइए। पहला आप बताएंगे साम्यवाद का अवरोध का सिद्धांत और दूसरा सैन्य संधियों की नीति। सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध के संबंध में है, कोई छोटा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सिद्धांत से अभिप्राय है सोवियत संघ अमेरिका के बीच तनाव कम करना एवं मैत्री सहयोग की नीति की ओर उन्मुख होने का प्रभाव, ये सिद्धांत के अंतर्गत आता है। साम्यवादी खेमे के पतन के क्या दो प्रभाव है, साम्यवादी खेमे के पतन के प्रभाव है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, शीत युद्ध का अंत होना। इसी तरह वैश्वीकरण के पक्ष में कोई दो तरफ दीजिए, व्यापार के क्षेत्र में खुलापन एवं उदारीकरण, विदेशी निवेश के प्रति जागरूकता या उदारता। दोहरे निशेषाधिकार से आप क्या समझते हैं, पहली बार प्रक्रिया संबंधी मामला है या नहीं यह तय करते समय सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग कर सकता है, फिर प्रक्रिया संबंधी मामलों के अतिरिक्त किसी भी विषय में निर्णय के लिए स्थायी सदस्यों में से कोई भी नकारात्मक मत प्रदान कर सकता है और परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को दोहरा निशेषाधिकार प्राप्त होता है। जैसे दक्षिण के सदस्य राष्ट्रों का नाम बताइए, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान आदि आठों, अफगानिस्तान जो इसमें शामिल हो गए, आठों सदस्य राष्ट्रों का आप इसमें उल्लेख करेंगे। की समाप्ति के कोई दो कारण बताइए, तो हम उसमें लिखेंगे मिखाइल गोर्बाचोव की पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट की नीतियां। पेरेस्ट्रोइका का भी अर्थ पूछे तो आप बता देना पुनर्निर्माण, और ग्लासनोस्ट का मतलब आप बताएंगे खुलापन। इसी तरह दूसरा इसका कारण रहा साम्यवादी गुट के देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख दो प्रमुख चुनौतियां बताइए आप, तो आप सबसे बड़ी चुनौती तो आप बताएंगे कि आतंकवाद और दूसरी गरीब राष्ट्रों की निर्धनता को दूर करना, वैश्विक निर्धनता का निवारण करना। इसके अलावा पंचशील के पांच सिद्धांतों में से कोई भी पूछ सकते हैं, पांच के पांच भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप उनको बताएं, जैसे कि अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे की संप्रभुता अखंडता का सम्मान करना, समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये आप इसमें देखेंगे। इसके अलावा कब हुआ ये भी पूछा जा सकता है कि पंचशील का सिद्धांत कब हुआ, किन के बीच में किया गया है, इसको आप देखेंगे कि जब चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए थे तब नेहरू जी और उनके बीच में एक समझौता हुआ था तिब्बत को लेकर के, उसमें इन पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था। हिंदी चीनी भाई भाई का उस समय नारा भी दिया गया था। वैश्वीकरण के विपक्ष में दो तर्क दीजिए कि वैश्वीकरण एक तरफ मांगे जा रहे हैं, दूसरी तरफ इसके विपक्ष में इसके दुष्प्रभाव भी क्या हो सकते हैं, तो इसमें होगा वैश्विक लाभों का असमान वितरण, विभिन्न राष्ट्रों और लोगों की आय के बीच में भारी अंतर आना। चीन की विदेश नीति की किन्हीं दो विशेषताओं को आप बताइए, एशिया पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, चीन को महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। इसके अलावा जैसे दक्षिण दक्षिण संवाद से आपका क्या मतलब है, तो इसका आप
बताएंगे कि विकासशील तीसरी दुनिया के देशों के बीच में आप सहयोग हेतु संवाद स्थापित करना। ऐसे उत्तर दक्षिण के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में संवाद को स्थापित करना बड़े प्रश्नों में आप देखें तो आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों व असफलताओं का विवेचन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की मांग के बारे में बताइए। भारत की सुरक्षा परिषद में दावेदारी के पक्ष में तर्क दीजिए। तृतीय विश्व के देशों के प्रति अमेरिका की नीति के बारे में बताइए। चीन की विदेश नीति की नवीन प्रवृत्तियां क्या है। भारत पाक संबंधी तनाव का क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। दोनों देशों के बीच में संबंध सामान्य होने की क्या संभावनाएं हैं। आसियान के गठन कार्य भूमिका का विवेचन कीजिए। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए आदि। उन्हें आप सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि पूर्ण निष्पक्षता से और दृढ़ता से अपने अध्ययन को सुचारू रूप से ध्यान रखें। पूरा टाइम दें, समय दें, निश्चित एक टाइम टेबल बनाएं, उसमें पढ़ना भी है और आपको अन्य अपने संबंधित कार्य को भी पूरा करना है। धन्यवाद।